ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला। बाहर क्यों खड़ी हो? आओ आओ भीतर आओ, देख लो अभी तक सो रहे हो मेरा लल्ला। भाभी मैं किसे विश्वास कर लूं? मेरे लिए सत्य तो यही है कि कान्हा मेरे घर आया था, माखन चुरा के खाया भी था इसने। ये जो भी है कान्हा तो ना हो सकता। जानकी तुझे अब भी संदेह है? हाँ तो रुक, मैं लल्ला का चादर उठा के दिखाती हूँ। महाराज, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि जिस लोभासुर के बारे में आपने हमें बताया था उसे गोकुल भेज चुके आप। लो, इस असुर को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये तो पहले से ही हम सबके मन में उपस्थित है। अब बस केवल गोकुल वासियों के मन में इस विशेष असुर को जागृत करना होगा और फिर उसका प्रयोग करना है अपने लाभ के लिए। आनंद ही आनंद। गोकुल मत मोहम्मद सर, क्रोध काम लो मत मोहम्मद सर, क्रोध काम। अब यही होगा मत मोहम्मद सर गोकुल का भविष्य। मत मोहम्मद सर किसी को संदेह हो उससे पहले मुझे नींद भी होने का स्नान करना पड़ेगा। आप सब ब्याह क्या कर रही हो? अपने कान्हा से मिलने आई हो? ना लल्ला, जे तो देखने आई है कि तू घर पे था कि ना। मैंने कही थी ना असत्य के पाँव ना होते, सत्य आ गो ना सामने, मिल गई शांति। पर भाभी अगर कान्हा यहाँ है तो फिर मेरे घर पे कौन आया था? स्वप्न आया था। आया तो मैं ही था जानकी, पर मैया के सामने स्वीकार ना कर सकते हो, सत्य बताती हो तो मैया मुझे डांटेगी भी और बाहर जाने पे भी रोक लगा देगी। ना, वो स्वप्न ना था, कान्हा ही था। अवश्य ही जे वापस आके फिर से सो गया होगा, पर अब मैं कछु कह ना सकती,
कोई मुझ पे विश्वास ही ना करेगा। वैसे तो विश्वास मुझे भी ना हो रहा था कि आज बच पाऊंगा मैं, वो तो भला होता होगा, बिल्कुल सही समय पे पहुंचा दियो मुझे। दाऊ सहायता करो ना, मेरे पीठ पर चढ़ो और दीवार फान जाओ, और सुनो पीछे के द्वार से भीतर जाना। सबको अभी भी कोई संदेह हो तो बता दो। नाना हमें तो कछु संदेह नहीं था। अधिक बातें बनाने की आवश्यकता ना है कस्तूरी, संदेह ना होता तो आती यहाँ। नाना जी जी मैं तो सच्ची कान्हा के लिए यहाँ पर आई हूँ। सुबह बालकों की बात सुनी थी, कह रहे थे कि कान्हा गिर गयो है, इसीलिए देखने चली आई। मेरा घर बहुत दूर है ना, इसीलिए आने में तनिक देरी हो गई। तो तू इतनी दूर क्यों खड़ी है, इधर आ। बस केवल जे सावित्री है जो मेरे लल्ला की सच्ची हितैषी है, इसीलिए केवल जे ही रुकेगी आज यहाँ। और तुम सब आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्थान करो। नारायण नारायण। क्या हुआ है आज मुझे कछु ना पतो, पर कम से कम मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। यही तो मेरा उद्देश्य था जानकी। जानकी कछु और संदेह है क्या? जी माखन, कहीं जानकी सच तो ना कह रही? मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। सावित्री मौसी अब मैया को मत ही बता देना। यदि सच में कान्हा ने जानकी के घर माखन खायो है तब तो बहुत सौभाग्यशाली है वो। चाहो तो ये सौभाग्य आपको भी मिल सकते है मौसी। जानकी के स्थान पर यदि कान्हा ने मेरे हाथ का माखन खायो हो तो मैं किसी को कुछ ना बताती, बल्कि प्रसन्नता से खिल-खिल जाती। तो फिर अगला घर आपका। अगला घर किसका? क्या कही तूने? वो मैया वो। मैं कह रहा था आज सावित्री मौसी मुझे देखने आई है, अगली बार मैं इनसे मिलने घर चल जाऊंगा। इतनी प्रसन्नता की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। पर लल्ला मेरा घर बहुत दूर है, ना तो तू आ पाएगा और ना ही जीजी तुझे आने देगी। बिल्कुल सही कह रही है सावित्री मौसी लल्ला, इनका घर बहुत दूर है, इतना दूर जाने की आवश्यकता ना है। यदि मेरा घर भी निकट हो तो मैं भी दूध दही माखन छाछ सब बड़े चाव से खिलाती इसे।
माखन दिला तो अभी आरंभ किए है मैंने, अब देखो आगे क्या क्या करती हूँ मैं। सावित्री तू कहाँ खो गई? लो कर लो बात, तुम इतनी दूर से आई हुई हो, मैंने अभी तक कछु खाने को भी ना पूछा। अरे ना ना जी जी, मैं तो बस कान्हा को मिलने आई थी, अभी और बैठूंगी ना तो अंधेरा हो जाएगा। कछु तो खा के जा। ना जी जी, कल वैसे भी साप्ताहिक हाट लगने वाला है, तो माखन बेचने की तैयारी करनी है। नारायण नारायण। लगता है आप जिस बीज की बात कर रहे थे महाराज, उसे बो चुके हैं आप। बिल्कुल सही पहचाना प्राप्ति। इस समय मेरा बोया लोभ का बीज गोकुलवासियों के मन की भूमि पर महत्वाकांक्षाओं का पोषण पा रहा है। अब तो केवल सुबह तक की प्रतीक्षा है, सूर्य उगते ही गोकुल में लगेगा हाट और पनपेगा लोभासुर। कल सुबह देवकी और वसुदेव को मेरे सामने बुलाना, बहुत दिनों तक शांति से जी लिए वो दोनों, अब उनकी शांति का होगा नाश और मुझे मिलेगा आनंद, परम आनंद। जाम कहाँ है बाबा, क्या हो रही है यार? ये साप्ताहिक हाट है लल्ला, मैंने सोचो मंदिर जाते जाते तुझे ये भी दिखा दूं। हाट? हाँ लल्ला, सप्ताह भर गोप गोपियां जो दूध दही माखन इकट्ठा करते हैं ना, उसे यहाँ लाके उन ग्राहकों को दे देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जेते तो क्या कोई भी आके माखन ले सकते? हाँ लल्ला, कोई भी ले सकते है, पर उचित मूल्य चुका कर। कभी कोई व्यक्ति सिक्के दे तो है, तो कभी कभी कोई दूसरी वस्तु दे तो है, और कभी कभी तो विक्रेता की सेवा करके अपना मूल्य चुका तो है। अच्छी लगी हाट? चल अब मंदिर के लिए विलंब हो रहा है, चल। ना 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 ना, एक दोनी दो, एक दिया तीन। इनका खेल मत ही कर, पर तो है सुबह से एक भी ना बिको है। अरे मैया को अकेली छोड़ के जाएगो? सजा दजा सकट है जी, इतना
अर्थात हार्ट बाट है कौन जे? अवश्य ही कोई धनवान व्यक्ति होगो। आज तो अवश्य गोकुल का भाग चमकने वाला है। चाय कर लल्ला। हाँ लल्ला, प्रतीक्षा कर लल्ला, भोग तो लगाने दे। आओ बहन आओ, स्वागत है। कुंवर जी, आपका भी स्वागत है। जानते हो, जब चूहा भूखा होता है कभी शांत नहीं बैठ सकता। धमा चौकड़ी, उधम, अस्थिरता उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसी ही अस्थिरता इस समय गोकुल में भी फैली होगी। यहाँ पधारिए, बहुत अच्छा माखन मिलेगा। आइए श्रीमान, बहुत अच्छा माखन है। आइए श्रीमान, आइए श्रीमान, आइए, बहुत अच्छा सामान मिलेगा। श्रीमान आइए, हमारे पास बहुत अच्छा माखन है, अभी अभी निकालो, पहर भर पहले। और सस्ता भी है। आइए आइए श्रीमान जी, एकदम हरी हरी सब्जियाँ हैं, एकदम ताजी सब्जियाँ हैं, ले जाके देखिए आप। वसंता, तू भी कछु बोल। मैं क्या बोलू मैया? अच्छा माखन तो पूरे गोकुल में मिलेगा, पर सबसे अच्छा माखन केवल मेरे पास मिलेगा। लोग अच्छी बात ना है लल्ला। लोग क्या होते हैं मैया? लोग ना, लोभ। लोभ बहुत भयंकर राक्षस होते हैं लल्ला, जे एक बार हमारे मन में प्रवेश करके हमें भीतर से ही जकड़ लेते हैं। इसके कारण हम अधिक से अधिक और अधिक से अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। जैसे अभी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं सारे के सारे लड्डू खा जाऊं। यही हो तो है लोग, आवश्यकता से अधिक की इच्छा करना। सदैव स्मरण रखियो लल्ला, लोग बहुत भयानक होते हैं, बहुत भयंकर। जानते हैं, जिसमें तनिक भी लोभ हो वो सबसे आसानी से और सबसे पहले जाल में फंस जाता है। Yeah.
है मूर्ख। सब छटक लूंगा। कोई ऐसा ही तो चाहिए था मुझे जिसमें लोभ हो। भयानक इसलिए होता है लल्ला क्योंकि जो भी इसके चंगुल में फंस जाता है ना वो अपना शुद्ध बुद्ध अपना विवेक सब खो देता है और अनुचित निर्णय लेने लगता है। वो कहावत ना सुनी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वसंता, अब कैसे सारा का सारा माखन बेचकर जे धनी ग्राहक से धन बटोर लेती है तेरी मैया। देखो 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 कैसे छटपटा रहा है। अपने प्राणों को बचाने के लिए कितना व्याकुल है, कैसे इस जाल से मुक्त होने के लिए तड़प रहा है। यही दशा गोकुल वासियों की भी होने वाली है क्योंकि वो भी शीघ्र ही इस चूहे की तरह लोभ के जाल में फंसने वाले हैं। आओ आओ श्रीमान, पधारो। सब झटक लूंगा। हैं? हैं? सब ले लूंगा। देखो श्रीमान, पूरे गोकुल में मुझसे अधिक स्वादिष्ट माखन किसी के पास ना होगो। अब अच्छे गुणवत्ता की वस्तु सस्ती थोड़ी ना होगी। किंतु व्यापारी परमानंद सस्ती वस्तुएं लेता भी नहीं है। एक बार फिर सोच लो श्रीमान, हर मक्खन के मटके के बदले पूरे 2 सिक्के लेती हूँ मैं। 2 सिक्के? कहीं अधिक तो ना बोल दियो मैंने? पहली बार आयो ना तो हर 2 मटके पे 1 सिक्का कम कर दूंगी। चार मटके लोगे तो 1 और सिक्का कम कर दूंगी, लेकिन इससे अधिक कम कर ना पाऊंगी। छूट देकर मूल्य आधा कर रही है आप, मैं तो 2 गुना मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। दो गुना मूल्य तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सारी की सारी मटकियां चाहिए मुझे। सब तो भाव कम कराते हैं, ये तो बढ़ा रही है। हाँ तो जे भी कोई पूछने की बात है, जे ले लो जे सारी की सारी मटकियां आपकी। लोभ में आकर लिया गया कोई भी निर्णय लाभकारी ना होता लल्ला।
अच्छा जे बता, जो लोभ में आके तूने जे सारे लड्डू खा लिए तो क्या होगो? क्या होगो मैया? पेट दुखेगो लल्ला। पीड़ा होगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगो, फिर सोच ले तू घर से बाहर ना निकल पाएगो। ये नारायण लोग तो सच्ची में बहुत भयंकर है, इससे तो बच के ही रहना पड़ेगा। पर बचा कैसे जाए? अब फंस गए गांव वाले, जैसे ही ये मेरे सिक्कों की चमक दमक खनक देखेंगे मेरे जाल में ऐसे फंसेंगे जैसे कि ये मूर्ख स्त्री। ये लीजिए, सामान्य मूल्य से दो गुना मूल्य। अच्छा मूल्य दूंगा तो ही तो अच्छी वस्तुएं मिलेगी ना मुझे। भाइयों, मैं मथुरा का सीधा साधा व्यापारी परमानंद हूं। मेरी मिठाइयां विदेशों के अनेक राज्यों में बेची जाती है, इसलिए मुझे सदैव सर्वोत्तम दूध के उत्पादों की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि गोकुल में दूध के सर्वोत्तम उत्पाद मिलते हैं, मैं यहाँ चला आया। अब जिसे भी मेरी तरह धन अर्जित करना हो, उज्जवल भविष्य बनाना हो, वो मेरे साथ व्यापार कर सकता है। बस आपको मुझे एक वचन देना होगा। अपने आराध्य नारायण का नाम लेके प्रण करना होगा कि आज के बाद आप अपना सारा दूध दही मक्खन घी मुझे और केवल मुझे ही देंगे। ताकि इनका प्रबंध करने के लिए मुझे कहीं और भटक ना ना पड़े। जो एक बार लोभ के जाल में फंस गया वो फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। अधिक से अधिक और अधिक और अधिक पाने के लोभ में अपना सब कुछ खो बैठता है। और फिर धीरे धीरे उसकी संघर्ष क्षमता समाप्त हो जाती है और फिर जो बचता है वो यमदूत की प्रतीक्षा करने वाला केवल एक जीवित शव और कुछ नहीं। आपको अभी निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं परसों सूर्यास्त के समय एक बार फिर आऊंगा, तब आप अपना निर्णय मुझे बता दीजिए। किंतु मेरे साथ व्यापार करने पर क्या होगा इसकी मैं झांकी दिखाऊंगा आपको। आज आप सभी इस हाट में जो लेकर आए हो वो सब लेकर जाऊंगा मैं, वो भी दुगना मूल्य देकर। मैं तैयार हूँ व्यापारी जी। तू खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है, चल सारी मटकियाँ लेके आ। हाँ मैया। जाइए जाइए जाइए।
बस इसी तरह जब गोकुल के वासी थक हार कर मेरे चरणों में गिर जाएंगे, क्षमा मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दया की गुहार लगाएंगे, तब मैं उस नंद को गोकुल में छुपे उस चूहे के साथ यहां आने पर विवश कर दूंगा। इसे तो मैंने प्राण दान दे दिया, उसे नहीं दूंगा। अरे वचन जो दिया है तुम्हें कि सबसे पहले मैं तुम्हारी इन आंखों के सामने उसके प्राण लूंगा और फिर तुम्हारे आपके सिक्के अब कौन उतरे, कौन झुके, कौन उठाए, रहने दीजिए, ऐसा समझेंगे धरती माता को दान दे दिया। चलो भाई चलो। आज तो बहुत अधिक धन मिल गो, कोई और माने ना माने मैं तो परसों ही जाकर व्यापारी जी को हाँ बोल दूंगी। फंस गए गांव वाले। बोलो ना आप दोनों, लोग वाले राक्षस से कैसे बचा जा सकता है? संतुष्टि से। ये संतुष्टि कौन है? संतुष्टि एक साधारण सी कला होती जिसमें प्रवीण होने के लिए एक बात सीखना आवश्यक है कि हमारे पास जितना है उतने में प्रसन्न रहना चाहिए। पर अधिक मिल जाए तो अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवश्यकता हो बांट लेना चाहिए, ताकि सबके पास पर्याप्त हो और किसी को भी कछु कमी ना हो, किसी को वस्त्र के बिना रहना ना पड़े, भोजन के बिना सोना ना पड़े। और वैसे भी कान्हा, हम जितना अपनी वस्तुओं को बांटते हैं ना, उससे कई गुना अधिक नारायण हमें दे देते हैं। पर मैया, बस अब शेष प्रश्न घर जाके पूजा पूरी करने दे मुझे। मैया ने भोग चढ़ाने तक ठहरने को कही थी, अब तो चढ़ गो भोग। राजा सबके सब लड्डू लाए हो तुम्हारे लिए। हम तो तुझे भाव करके भयभीत करने वाले थे।
तुझे कैसे पता चला और कब? जब से तुम सबने हाथ में मेरा पीछा करना आरंभ किया था तभी पता चल गया था मुझे। मैं भी तुम सबके साथ आने वाला था पर मैया ने रोक लियो। इससे पहले कि मैया मुझे रोक ले भागो। भागो और लड्डू भी ले गो। क्या होगा? फिर लड्डू लुप्त हो गए, लल्ला लुप्त हो गए हो, परंतु तुम्हारा घबराया हुआ स्वर अभी तक दसों दिशाओं में ना गूंजो। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सदैव घबरा के आसमान सर पे उठा लेती हूँ। जी अर्थ ना है सुधा। ना ना, मुझे पतो है मैं लल्ला को लेके अधिक चिंतित हो जाती हूँ, पर इस समय मुझे कछु चिंता ना है क्योंकि मुझे पता है वो लड्डू लेके सीधा कहाँ गया होगो। वही जहाँ पूरी टोली मिलके खेलने जाती है, जानकी के घर के पास वाले मैदान में। आ जाओ रे सबके सब, घेरा बना लो, सब लोग बैठ जाओ। वहीं पेड़ के नीचे बैठ के सबको लड्डू बांटे गोजे। लो मधुमंगल, ले सुबल। वसंता तू भी ले। सुनी ना मैया ने क्या की? दो बहुत भयंकर ऋतु है, बहुत भयानक। ताई जी ने ये भी तो कही थी कि आवश्यकता से अधिक की इच्छा करना लोभ हो तो है, पर मेरी तो आवश्यकता ही अधिक है काना। इतने भारी भरकम तन में एक लड्डू कहाँ जाओगो, कुछ पता भी ना चलोगो। फिर तुझे दो ना चार लड्डू देने पड़ेंगे। जितना उपवास करना है कर लो, पर लड्डू तो दो। और जैसे ही जे बालक लड्डू खाने को होंगे, उनके मुंह तक पहुंचने से पहले ही कान्हा उन्हें रोक देगा। रुको, रुक क्यों दियो कान्हा? दाऊद को तो आने दो बसंता, उनके बिना कैसे खा सकते हम अकले अकले। पर तुम्हें ये सब कैसे पता यशोदा? अरे एक मैया से अधिक अपने संतान को कौन जानतो है भला। कान्हा अपने दाऊ के बिना कुछ कर ही ना सकता। अब चाहे खेल खेलना हो या अपनी मैया के हाथ के लड्डुओं का आनंद उठाना। जहाँ कान्हा होगो वहाँ उसके बल दाऊ को तो होनो ही है। विलंब की आशंका से घबराओ मत, मैं आ गया हूँ।
जाओगे कि कोई खेल भी खेलोगे? गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, ना ना पकड़ा पकड़ी, कछु नया खेल भी सुझाओ ना। मैं बताता हूँ, एकदम नया खेल है। स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने इसका आविष्कार किया है और स्वप्न में आके बताया है मुझे। और इसमें ना, लो आरंभ हो गया बड़बोला। अरे पर खेल का नाम तो बता उज्जवल। खेल का नाम है साथी दौड़। साथी दल, पर खेलते कैसे है इसे? बस एक साथी दूसरे साथी का पैर अपने से बांधता है और दौड़ लगाता है। तो चलो अपना अपना साथी चुनते हैं। लड्डुओं का भोज करके सब खेल में ऐसे मगन हो जाएंगे कि कोई घर आने का नाम भी ना लेगो। पर एक बार जो भूख लगी आई तो फिर देखना कैसे मैया के। क्या हुआ यशोदा, रुक क्यों गई? देखो जी भीतर। ये कौन है? जैसे साक्षात मैया लक्ष्मी। सुलक्षणा, यशोदा जी, नंदराज, नारायण 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 नारायण। वो साधु महात्माओं की तरह अपना भविष्य देख रही थी। दोनों हाथों से धन बरस रहा था, स्वर्ण के सिक्कों के सागर में तैर रही थी। लग तो है दीवा स्वप्न देख रही थी। और सुलक्षणा बताओ कैसे आना हुआ, वो भी इस वेशभूषा में? अच्छी लग रही हूँ ना मैं रानी जैसी? क्षमा करना, वो तो आप हो ना। अब बताओ भी जे सब क्या है? जे ही तो धनवान बनने का संकेत है यशोदा जी। अब बहुत सारा धन आएगो तो धनवान दिखनो भी तो चाहिए कि ना। कहना क्या चाहती हो? जे ही कि साक्षात कुबेर भगवान आए हैं गोकुल को समृद्ध करने है? कुबेर महाराज?